साथियों, एक पेड़ था और पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता था बिल बनाकर, और उसी पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। चूहा जो भी इधर उधर से लाता तो गिलहरी उससे थोड़ा कुछ मांग लेती और ले जाकर पेड़ पर खुद खाती और दूसरे जीव जंतुओं को भी खिलाती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन चूहे ने देखा कि गिलहरी मांग कर ले जाती है, खुद तो खाती है और साथ में अपना व्यवहार भी बनाती है, यानी कि दूसरों को भी खिलाती है। तो चूहे ने कहा कि मेहनत मैं करूं और मौज ये उड़ाए, और ये उड़ाए सो उड़ाए, साथ में दूसरों को भी उड़वाए। एक दिन गिलहरी जब चूहे से कुछ मांगने पहुंची तो चूहे ने साफ इनकार कर दिया, और चूहे ने कहा कि गिलहरी, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, ना मैं कोई भंडारा चलाता हूँ जो तुम खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। गिलहरी मायूस होकर पेड़ पर वापस आ गई। उसी दिन फिर बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि पानी उसके बिल में घुस गया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर आ गया। शाम तक बारिश होती रही। अब चूहा भूख से बिलबिलाने लगा। तो गिलहरी ने देखा कि चूहा भूख से परेशान है, तो गिलहरी कुछ खाने को उस चूहे के लिए लेकर आई और कहा, चूहे भैया, मैं जो तुमसे लाती थी उसमें से कुछ बचाकर रख लेती थी, लो इसको खाओ और अपनी भूख मिटाओ। चूहे की आंख में आंसू आ गए। चूहे ने कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं समझता था कि मैं जो कमा कर लाता हूँ अपनी मेहनत से, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन देने वाला वो ईश्वर है, और उस पर हमारे साथ साथ और लोगों का भी अधिकार है। साथियों, इस कहानी से सीख सिर्फ इतनी है, यदि हम मेहनत से कुछ कमाते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, उस पर हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का। तो कमाओ और उस पर मिल बांट कर खाओ। साथियों, कहानी अगर अच्छी लगी हो इतना ही कहूँगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करूँ।